सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है कियारा द्वारी मैम की ड्राइंग का पार्ट टू। तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कैसे हमने ड्रॉ किया इसकी आउटलाइंस ग्रिड मेथड का यूज़ करके। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक तो नहीं देखी है, जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में फेस में शेडिंग करेंगे हम। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको शेडिंग करनी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यार वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको रियल टाइम नहीं रख सकता, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो सो मैं शेड करूँ मैकेनिकल पेंसिल से, जिसमें है 2B की लीड। तो अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप वुडन पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल, जिसमें है HB की लीड। देखो यार, शेड करना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो शेड करते हैं तो उनकी शेडिंग में पैचेस से पड़ जाते हैं। वो क्यों पड़ जाता है, इनफैक्ट मेरी भी शेडिंग में पैचेस पड़ जाते हैं। इसका सॉल्यूशन तो यही है कि आप पेंसिल को सही से नहीं पकड़ते हो, कि आपको राइट वे पता होना चाहिए पेंसिल को होल्ड करने का शेडिंग के लिए। कुछ लोग तो बिल्कुल पास से पकड़ते हैं, जो जैसे जो राइटिंग पोजीशन होती है पेंसिल की उसी से शेडिंग करते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको डार्क लेयर करनी है, डार्क शेड करना है, तो वहाँ से पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर लाइट शेडिंग करनी है तो हम उनको पीछे से पकड़ना है। तो अब देख, मैं इतना तो बता नहीं रहा हूँ कि मैं कौन सी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, कौन से ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, कि ये फालतू बात हो जाएंगी, ज़्यादा बात हो जाएगी। आपको ये खुद देखना है कि मैं कौन सी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। बस टिप्स देता रहूँगा थोड़ी थोड़ी बीच बीच में, और आप बाकी आपको खुद ही देखना है कौन से ग्रेड की पेंसिल आपको करनी चाहिए यूज़, एक के ऊपर लेयर बाय लेयर। आपको बस सिंपली फोटोग्राफ में ऑब्जर्व करना है कि किस साइड डार्क शेडिंग है, किस साइड लाइट शेडिंग है। तो जहाँ पे डार्क शेडिंग है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है, वहाँ पे जहाँ पे लाइट शेडिंग है वहाँ पे नॉर्मली करना है HB 2B तक, ठीक है। और एक मिस्टेक है जो मैंने काफ़ी लोगों करते हुए देखा है, कि जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आई बॉल जो होती है हमारी वो बिल्कुल वाइट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी हल्की फुल्की शेडिंग दिखती है अगर आप ध्यान से फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करें। तो जैसा आपने आप भी देख सकते हैं कि मैंने आई बॉल में हल्की सी शेडिंग करी है, बिल्कुल वाइट तो कोई आई बॉल नहीं होती। आप वाटर कलर या कलर पेंसिल से भी करना है, लेकिन तो अब भी उसमें आपको बिल्कुल वाइट नहीं रखनी है, हल्की फुल्की शेडिंग करनी है। और जो हमारी आयरिस भी होती है वो भी बिल्कुल ब्लैक नहीं होती है, काफ़ी लोग बिल्कुल डार्क करते हैं, कभी कभी लाइटिंग की वजह से बिल्कुल ब्लैक दिखती है अपन को, लेकिन असली में बिल्कुल ब्लैक नहीं होती है। जो हमारी आयरिस में प्यूपिल होता है वही बिल्कुल ब्लैक होता है, बिल्कुल प्योर ब्लैक। और जो आयरिस होती है वहाँ पे अगर आप फोटोग्राफ में नहीं दिख रही है बिल्कुल ब्लैक, तो हल्की हल्की वहाँ पे डार्क शेडिंग कर सकते हैं आप, लेकिन बिल्कुल ब्लैक मत करना। और अगर आप फोटोग्राफ में दिख रही है वो लाइटिंग की वजह से हो सकता है ब्लैक दिख रही हो, तो वहाँ पे आप ब्लैक शेड कर सकते हैं। सो गाइस, जो हमारी लेफ्ट आई है वो तो ड्रॉ हो चुकी है, उसी तरह से बिल्कुल हमें राइट आई ड्रॉ करनी है। और जो कुछ टिप्स देता हूँ आपको, जो हमारी आई लैशेज होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती हैं आई के, आप अगर फोटो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखें थोड़ी सी कर्ली सी दिखेंगी, तो वैसी आपको ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ मत करना। बिगिनिंग में मैं भी बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर रहा था तो काफ़ी बेकार सी लगती हैं वो, बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लगती, इसलिए हल्के की कर्ली ड्रॉ करनी है आपको। और हाइलाइट्स, हाइलाइट्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, हाइलाइट्स के बिना तो बिल्कुल रियलिस्टिक लुक आ ही नहीं सकता। तो हाइलाइट्स के लिए अगर आपके पास मोनो जीरो रेजर या नीड रेजर नहीं है तो आप नॉर्मल रेजर कट करके यूज़ कर सकते हो, और नीड रेजर को आप घर पे ही बना सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा जल्द से जल्द कि आप नीड रेजर घर पर कैसे बना सकते हैं। सो गाइस, अभी मैं थोड़ी बहुत हल्की हल्की हाइलाइट्स कर रहा हूँ मोनो रेजर का यूज़ करके। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल रेजर कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बस इससे ही हम मोनो रेजर का यूज़ करके हम आईब्रोज में भी हाइलाइट्स करेंगे, और फिर इसको हल्का हल्का ब्लेंड भी करना होता है फिर अगर स्किन पे आप यूज़ करते हैं ऑयली रेजर तो। और आपने देखा जो मैंने आईज़ में हाइलाइट्स के लिए वाइट जेल पेन का भी यूज़ करा, और जो वाइट जेल पेन जो होता है हमें वो एक्सट्रीम वाइट एरियाज के लिए यूज़ करना चाहिए, मैं भी उसी जगह भी यूज़ करता हूँ। और जो कभी कभी स्किन पे जो एक्सट्रीम वाइट एरियाज होते हैं वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ये आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप पे आसानी से मिल जाता है 50-60 रुपये का।
सो गाइस अब मैं नोज़ में शेडिंग कर रहा हूँ। तो हमारी नोज़ जो होती है उसमें आप सामने से देखेंगे तो बहुत ही हाईलाइट से पड़ते हैं नोज़ में, और जो नोज़ के बीच में होते हैं वहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हाईलाइट होते हैं। तो वहाँ पे आप चाहे शेडिंग करना छोड़ सकते हैं या फिर हल्की बिल्कुल लाइट लाइट कर सकते हैं, या फिर आप बाद में इरेज़र से भी कर सकते हैं, नीड इरेज़र से। तो वैसे ही मैं कर रहा हूँ, आप देख लीजिए कैसे कर रहा हूँ। तो वैसे तो इसमें हल्का हल्का शेडिंग कर रहा हूँ मैं, लेकिन बाद में इरेज़र से भी कर दूँगा मैं हाईलाइट। तो फिर बस फिर और जो नोज़ के कॉर्नर्स में डार्क होता है तो वहाँ पे लेयर बाय लेयर शेडिंग करूँगा 2B 4B से। इसमें मैं ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करूँगा। और आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, नॉस्ट्रल्स होती हैं उसके जो आसपास वाले एरिया होता है वहाँ पे थोड़ा डार्क होता है क्योंकि वहाँ पे शेडो ज़्यादा पड़ रही होती है, तो वहाँ पे आपको डार्क पेंसिल का यूज़ करना है। 4B से अगर नहीं हो पाया तो 6B तक यूज़ कर लेना। और नोज़ के कुछ एरियाज़ में मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइस अब मैं लिप्स में शेडिंग कर रहा हूँ। तो जो अपर लिप है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टेक्सचर, तो वहाँ पे मैं पहले नॉर्मल HB पेंसिल का यूज़ करके पहले शेडिंग करूँगा, फिर उसको ब्लेंड करके उसके बाद से उसका टेक्सचर ड्रॉ करूँगा। तो जो लेकिन जो लोअर लिप है वहाँ पे मैं कॉन्ट्रोल लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रोल लाइन से क्या होता है थोड़ा 3D इफेक्ट आता है लिप का, तो थोड़ा 3D इफेक्ट आ गया, इसलिए मैं कॉन्ट्रोल लाइन्स ड्रॉ करता हूँ। आप देख सकते हैं HB के बाद जैसे मैं 2B का यूज़ कर रहा हूँ तो उससे भी थोड़ा जैसे 3D इफेक्ट आया थोड़ा, और हाईलाइट्स करेंगे तो और ज़्यादा 3D इफेक्ट आएगा। और अपर लिप में जो है वो मैं मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ करता हूँ थोड़े टेक्स्चर क्रिएट करने के लिए। और मोनो जीरो रेजर तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो गाइस मैं फेस में शेडिंग कर रहा हूँ। तो फेस में शेडिंग करना लोगों को काफ़ी इजी लगता है, लेकिन यार ऐसा नहीं है, क्योंकि तो इजी नहीं है क्योंकि अपन को बहुत ध्यान से शेडिंग करनी होती है फेस में कि ज़्यादा ही पैचेस ना आ जाए, पैचेस से हमारा पूरा फेस ख़राब हो सकता है, इसलिए हमको बहुत ही ध्यान से स्मूथली शेड करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैंने HB पेंसिल का यूज़ करके शेड कर लिया है, फिर मैंने उसको टिश्यू पेपर से ब्लेंड किया है, उसके बाद मैं उस पर और लेयर चढ़ाऊँगा शेडिंग की, फिर उसे ब्लेंड करूँगा ब्रश और टिश्यू पेपर का यूज़ करके। तो ऐसे ही मैं पूरे फेस को शेड करूँगा, लेकिन आपको स्टेप सिंपल लग रहे होंगे लेकिन ऐसा, लेकिन आपको शेडिंग करते हो एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि शेडिंग स्मूथ हो बहुत। तो गाइस जिस एरिया में मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ तो वो है 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल जिसमें है 2B की लीड। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करें, वो तो मेरा मन कर रहा है क्योंकि इट्स माय चॉइस, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है आप भी यूज़ करें, तो आप कोई भी वुडन पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो वह सब जो इसके राइट आई में टीयर है वो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल है HB वाली से आउटलाइन बना ली है, फिर मैंने 4B मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके जो एक साइड में आउटलाइन है जिससे
थोड़ा शेडो जो होती है वो बना लिया, फिर मैंने उसको हल्के शेडिंग करके ईयरबड से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े पोज से बनाया है 4B मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके। उसके बाद मैंने हाईलाइट्स के वाइट जेल पेन का यूज़ करके, बस सिंपल, काफ़ी सिंपल है वाटर ड्रॉप्स को बनाना। इस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि आप वाटर ड्रॉप्स को कैसे बना सकते हैं इजीली। सो एज आई के ऊपर जो स्किन होती है वहाँ पे मुझे हल्के हल्के हाईलाइट्स से भी दिख रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं तो उसके लिए मैं वाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। बस सिंपल छोटे छोटे डॉट्स बना दो वाइट जेल पेन से, तो उसके बाद उसको ब्रश से ब्लेंड कर देंगे। अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी बेकार सा लगेगा। Without the same mistake, can I leave it all behind? Follow all the leading signs. सो इसमें फोरहेड को भी उसी तरह से शेड कर रहा हूँ जैसे मैंने बाकी फेस को शेड किया। पहले HB पेंसिल का यूज़ करके अच्छे शेडिंग कर ली, फिर उसको टिश्यू पेपर से ब्लेंड किया, उसके बाद से और लेयर्स चढ़ाई फोटोग्राफ में ऑब्जर्व करके कहाँ पे कितना डार्क है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, तो हमने पूरे फेस को शेडिंग कर ली अच्छे से, तो इसका थर्ड पार्ट में जल्दी ही लाऊंगा, उसमें मैं हम हेयर्स और नेक को शेड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया होता है चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना है प्लीज़, और बेल आइकन को भी दबाना, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।